सत श्री अकाल जी, मैं केवी ब्राड है, तुसी देख रहे हो चैनल पंजाबी टेशन। इस मौके अपने नाल रोशमिता जी मौजूद ने, जो कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2016 रह चुके हैं। उन्होंने नाल गलबात करांगे। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो? अच्छी हो, आप कैसे हो? अरे मैं पूछना चाहूँगी, आज ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है किस बारे में थी, आप थोड़ा खुल के बताएं। ठीक है, तो ये आज जो हुआ है ये बेल फैशन वीक का है, तो हम बहुत सारे नए डिज़ाइनर्स और टैलेंट्स को ढूंढेंगे। 25 सिटीज़ में ऑडिशन होगा, सब मेजर सिटीज़, हैदराबाद, कोलकाता, बैंगलोर, जयपुर, ऐसा ही कुछ। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा ऐड ऑन है फैशन इंडस्ट्री का, और ये अच्छी बात है कि चंडीगढ़ में ये शुरू हो रहा है, ये इनिशिएटिव चंडीगढ़ में स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत पैन इंडिया होने वाला है, बहुत नेशनली बड़ा होने वाला है, और इसके लिए हमें मीडिया का सपोर्ट ज़रूर चाहिए। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जहाँ भी हम कोने कोने जाएंगे, हम बेहतर डिज़ाइनर्स, कपड़े कलरफुल एंड यूनिक डिज़ाइंस वो ढूंढेंगे और उनको प्लेटफॉर्म देंगे एक्सप्रेस करने में। वो भी नहीं, उसके अलावा हमें टैलेंट्स भी मिलेंगे और उनके लिए स्पेसिफिक टाइटल्स भी होंगे, मिस्टर बेल एंड मिस बेल। और ये अच्छी बात है कि ट्रांसजेंडर्स भी ऐसे इन्वॉल्व है इसमें, और उनको, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस उनकी पसंद। और हर कोई को इच्छा होती है कि स्टेज पे आए और रैंप वॉक करे, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो देखेंगे क्या होता है। जैसे के टीम में रोहित जी भी हैं ना, और एक साथ, मतलब कैसे कांटेक्ट में आए आप लोग एक साथ काम करने? दिग्विजय सर से हुआ है, उन्होंने सब क्यूरेट करके हम लोगों को पैनल पे डाला है। आई थिंक ये बहुत अच्छा ब्लेंड है, युक्ता मुखी जी भी है और रोहित वर्मा सर भी है, तो आई थिंक इट्स अ गुड ब्लेंड। हर काम सिर्फ एक आदमी से नहीं हो सकता है, जब टुकड़े टुकड़े मिलते हैं, मे बी आई एम गुड इन समथिंग, मे बी ही इज़ गुड इन समथिंग, येस। सो इसलिए आई होप वील बी एबल टू गेट अ गुड विनर हु विल बी एबल टू रिप्रेजेंट, क्योंकि इसके बाद इंटरनेशनल भी हम जाएंगे कैनेडा और दुबई में, तो आई थिंक इट्स गॉट अ गुड फ्यूचर टू दिस। ओके, और अगर बात की जाए आपकी पर्सनल लाइफ की, मॉडलिंग में आने का कैसे, बचपन से था आपको मॉडलिंग का? मैं एक्चुअली एक्सीडेंटली मॉडलिंग में पढ़ी, जब मैं कॉलेज में थी एक दोस्त ने सजेस्ट किया, व्हाई डोंट यू टेक पार्ट इन फैशन टीम, और मैंने अपने फ्रेंड्स के जूते बोरो करके ऑडिशन दी और सेलेक्ट हो गई। और फिर बाद में अपने आप ही बहुत सारे इंक्वायरीज आते जाए, मैं करती गई और फिर मिस यूनिवर्स इंडिया जीत गई। ओके, और कई बार पेरेंट्स की तरफ से होता है ना लड़कियों को कि मॉडलिंग में नहीं आना, आपको सपोर्ट रही है पूरी फैमिली की? हाँ, इस बात में बहुत फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी मिस्टर मेडिको बन चुके हैं उनके ज़माने में, और मेरी माँ भी बहुत पसंद है इनको ये सब, तो उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका या फिर ऐसा मत करो या ये इंडस्ट्री क्या है, हमेशा भरोसा और प्रोत्साहन दिया है कि जहाँ भी तुम जाओ सेफ रहो बस। और हाँ, जैसे कि आप मिस यूनिवर्स इंडिया है ना रहे हो, तो कैसा फील होता है कि जब स्टेज पे नाम अनाउंस किया जाता है ना, क्या फील थी उस टाइम पे आपकी? एक्चुअली बहुत बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट है, क्योंकि जब मैं स्टेज पे थी मैं बहुत इन द मोमेंट थी, तो क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, जो क्वेश्चन आया लारा दत्ता मैम से, मैंने सिर्फ उस बहुत शिद्दत से आंसर दी बस, और फिर उसके बारे में मैं जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी मैंने सोचा भी नहीं। और फिर जब मेरा नंबर पहले बुलाए वो लोग, तो मैं कन्फ्यूज़ थी ये मेरा नंबर है, और फिर नाम बताया और फिर ओके ठीक है, तो अच्छा लगा। तो याद है आपको वो क्वेश्चन क्या था उस टाइम पे जो पूछा गया? तो क्वेश्चन था कि आप सेलफोन या मेकअप, एक बीच में कौन सा और क्यों चूज़ करेंगे, तो ऐसा था। और मैंने बोल दिया कि इंटेलिजेंस इज़ बेटर देन ब्यूटी, ब्यूटी फेड्स राइट, तो इसलिए मैं अपना फ़ोन को चूज़ करूँगी और जो भी नॉलेज है उसमें आ जाएगा, और मैं नॉलेज को सपोर्ट करूँगी। अरे लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर जो भी लड़कियां मॉडलिंग में आना चाहती हैं ना, क्या आप बोलना चाहेंगे आप उनको?
जो भी आएंगे, मैं पहली बात ये बोलूँगी कि क्राइटेरियाज क्या है वो जानिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्टर बनने के लिए एक MBBS चाहिए होगी, तो एक मॉडल के लिए एक ज़रूरी हाइट होगी या फिर एक फ्रेम होगी, बॉडी टाइप होगी. पर अब तो चेंज हो रही है, लाइक प्लस साइज मॉडल्स भी आ रहे हैं. तो जैसे जैसे क्राइटेरियाज है उसके हिसाब से आना चाहिए. और आई मीन, जितना भी ट्राई कर सके उनको करना चाहिए. फिर दे शुडन बी हार्ट ब्रोकन अबाउट इट, बिकॉज जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ. बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए. तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रोशमिता जी, जिनके साथ हमने आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में और साथ ही उनकी लाइफ के बारे में खास बातचीत की. और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब ब्यूटेशन.